हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के सबसे साफ सुथरा शहर के बारे में बताने वाले हैं। अब तो दोस्तों आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि हम इंदौर शहर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। ब्रिटिश काल से इंदौर शहर को एक विकसित औद्योगिक नगर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस शहर में लगभग 500 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग हैं। औद्योगिक शहर होने के साथ साथ इंदौर शिक्षा का भी एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दोनों मौजूद हैं। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि इंदौर शहर पिछले 5 सालों से भारत का सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में पहले स्थान पर विद्यमान है। इस शहर को प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों के रूप में भी चुना गया है। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो मध्यकालीन युग में इस शहर को इंदौर के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिश राज्य के दौरान इसको इंदौर के नाम से नवाजा गया, जो आज तक चला आ रहा है। लगभग 3,898 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इंदौर शहर की कुल आबादी 32,76,000 है। इस 32,76,000 में 16,99,000 पुरुष तथा 15,77,000 महिलाएं मौजूद हैं। दोस्तों, इंदौर शहर ने देश को कई सारे महान हस्तियों को समर्पित किया है, जिसमें बॉलीवुड के सलमान खान, क्रिकेटर राहुल द्रविड़, हिंदी शायर राहत इंदौरी व गायिका लता मंगेशकर शामिल है। अगर आवागमन की बात करें तो आवागमन के दृष्टिकोण से इंदौर शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, रेल मार्ग। इंदौर शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम इंदौर जंक्शन है। इंदौर रेलवे स्टेशन 50 करोड़ से अधिक का राजस्व के साथ एक ग्रेड वाले रेलवे स्टेशन की सूची में आता है। इसका स्टेशन कोड INDV है और इंदौर जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म तथा 6 ट्रैक मौजूद है। इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से इंदौर नागपुर एक्सप्रेस, अवंतिका एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस, शांति एक्सप्रेस जैसे कई तमाम रेलगाड़ियां यहां से गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती हैं। नंबर 2, सड़क मार्ग। इंदौर शहर अपने चारों ओर से सड़क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 3 और आगरा बॉम्बे राजमार्ग संख्या 5 गुजरती है, जो आगे चलकर देश के और भी बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। इसके अलावा इंदौर शहर में मौजूद सरवटे बस स्टैंड के माध्यम से मध्य प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर 3, हवाई मार्ग। हवाई मार्ग की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र इस शहर का मुख्य हवाई अड्डा है, जहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, हैदराबाद आदि बड़े शहरों तक वायु मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इंदौर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इंदौर शहर में कैसे घूमने के स्थान है जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उड़ा सकते हैं। नंबर 1, पतालपानी जलप्रपात। पतालपानी जलप्रपात इंदौर जिले के महू तहसील में स्थित है। यह लगभग 300 फीट ऊँचा है। पतालपानी के आस पास का क्षेत्रफल एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक मजे लेने के लिए आते हैं। पतालपानी अगर आपको जाना है तो महू रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे निकट में स्थित रेलवे स्टेशन है। नंबर 2, चोरल डैम। यदि आप दैनिक जीवन से थक चुके हैं और आनंद के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे हैं तो आपको चोरल डैम जाना नहीं भूलना चाहिए। इंदौर में स्थित चोरल डैम पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग समान स्थान है, जो निश्चित रूप से आपको शांति प्रदान करेगी। नंबर 3, राजवाड़ा। राजवाड़ा नगर के बीचों बीच में स्थित है, जो इंदौर शहर का एक मुख्य पर्यटक स्थल है। सन 1974 के दंगों में इसके आग लग गई थी, जिससे काफी हद तक इसको नुकसान पहुंची थी, लेकिन आज भी अपनी खूबसूरती को काफी ज्यादा बयां करता है और हमेशा यहां पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब चैनल डिजिटल टूडे। कीप स्माइल एंड कीप ग्रोइंग।